नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का 10 मिनट शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी को पता है पेरिस ओलंपिक 2024 अपने अंत समय पर आ चुका है। कल 11 अगस्त 2024 को यह समारोह विश्व का सबसे बड़ा खेल समारोह समाप्त हो जाएगा। अब 2028 में लॉस एंजल्स में यह प्रतियोगिता होगी, ये भी आपको पता है। भारत ने बहुत कुछ खोया है और थोड़ा थोड़ा पाया भी है। जैसे कि आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक प्राप्त कर लिया है। अमन सहरावत ने पहलवानी में पेरिस ओलंपिक में पहला कांस्य पदक प्राप्त कर लिया है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने इतिहास को पुनः दोहराते हुए टोक्यो ओलंपिक में जैसे 2020 में कांस्य पदक जीता था, इस बार फिर से पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। इन्हीं तीनों सूचनाओं के बारे को लेकर के मैं आपके बीच में 10 मिनट शो के रूप में प्रस्तुत हुई हूं। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। अगर अब बात करते हैं सबसे पहले नीरज चोपड़ा के साथ, आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक दिलाकर के भारत को एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। इस बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को रजत पदक दिलाया है। 89.45 मीटर का अपना सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका है और रजत पदक दिलाने में यह सफल हुए हैं। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में यहां पर भाला फेंक प्रतियोगिता में यह रजत पदक आया है। 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाले ये भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं। इसके पहले पीवी सिंधु और सुशील कुमार के द्वारा भी 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते गए हैं। इस तथ्य को परीक्षा की दृष्टि से जरूर याद रख सकते हैं, है ना। 26 साल की नीरज चोपड़ा ने अपने सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो खेला है, ये भी याद रख लेना, है ना। और जैसे कि मैंने बताया सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने भी लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। इनका कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रही, दिन बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ईश्वर की मदद थी जिसके कारण इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छा अपना बेस्ट दिया। बाकी सभी ये फाउल थे, ये भी ध्यान रखना होगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा दिन था जिसके कारण ये आ गया। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक में जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो 87.58 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। इस बार इन्होंने सबसे बेस्ट किया है लेकिन फिर भी रजत पदक मिला है क्योंकि पाकिस्तान की अशद ने अपने सीजन का अब तक का सबसे बड़ा बेस्ट थ्रो फेंका है 90 मीटर अबव। तो यह भी आपको ध्यान रखना जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पाकिस्तान के अर्शद ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है, 92.97 मीटर का भाला फेंका है जो कि सबसे ज्यादा है, है ना। तो ये भी याद रखना, है ना। इन्होंने 2 थ्रो तो 90 मीटर से ज्यादा के रहे थे और तीसरे स्थान पर एडर्सन आए हैं ब्रॉन्ज मेडल के साथ। इनका थ्रो 88.54 था। तो सिल्वर और ब्रॉन्ज के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला था लेकिन जो गोल्ड मेडल था अशरद ने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंका है। इनकी यहां पर प्रशंसा की जानी चाहिए, 40 साल बाद पाकिस्तान के पास गोल्ड मेडल आया है और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इनके पास तो नया जेवलिन यानी भाला फेंकने के भी पैसे नहीं थे, सुविधाएं बहुत कम थी लेकिन उन्होंने इस सुविधाओं की कमी होने के बाद भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और परिणाम यह रहा स्वर्ण पदक भी मिल गया और करोड़ों के अब उपहार आने शुरू हो चुके हैं। तो भाई अगर मेहनत करें तो सफलता मिल सकती है, ये बताते हैं। चलो दूसरे स्टेज पर आते हैं अमन सहरावत के लिए। अमन सहरावत पहले तो क्वालिफाई हो गए पेरिस ओलंपिक के लिए और अब इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यह भी याद रख लेना प्यूर्टो रिको के रेसलर को हरा करके। हमें पूरी उम्मीद थी कि विनेश फोगाट महिला 50 किलोग्राम कैटेगरी में हमें या तो रजत या तो स्वर्ण पदक दिलाएंगे लेकिन बोलते हैं ना ऐसा कि कभी कभी बहुत अच्छा भी नहीं होता है जीवन में, वैसा ही हुआ। इसलिए अमन सहरावत ने अपना पहला या फिर पहलवानी में पहला पेरिस ओलंपिक का पदक जीत लिया और अंतिम ही है, अब तो पेरिस ओलंपिक समाप्ति हो चुका है, ठीक है। अब तक भारत ने पहलवानी में 6 मेडल जीते हैं जिसमें से 5 कांस्य और 1 है सिल्वर, ये भी याद रखना। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि थोड़ा सा ये और बता दो कि ये 6 मेडल कौन कौन ने जीते हैं, किस किस खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं, तो इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट पे। हरियाणा का खिलाड़ी, भाई हरियाणा तो हमेशा टॉप पर रहता है खेलों में, ये बात तो तय है ना।
तो इन्होंने बढ़िया व्यवस्थित तरीके से अपने खेल को जिया। और एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि इनके माता पिता 10 साल की उम्र में ही चले गए थे। इसकी विपरीत परिस्थिति में भी अमन सहरावत ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है ना। और इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगातार प्रतियोगिताओं को जीता है और अपने आप को सिद्ध भी किया है ना। अब बात करें वो कौन कौन से मेडल है जो भारत को मिले हैं, तो भैया केडी जाधव को ब्रॉन्ज मेडल, सुशील कुमार को ब्रॉन्ज मेडल 2008 में, और फिर यहाँ पे बात करते 2012 में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता, फिर 2020 में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता, ये भी याद रख लेना है ना। साक्षी मलिक ने जीता, योगेश्वर दत्त ने जीता टोक्यो में, बजरंग पूनिया ने, और अमन सहरावत ने अब जीत लिया है रेसलिंग में भारत के मेडल के रूप में ये आए हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। और एक और बात, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले एकमात्र पुरुष रेसलर, पुरुष पहलवान अमन सहरावत थे और उन्होंने निराश नहीं किया और पदक जीत लिया। अब तीसरा जो चरण रहेगा हमारे 10 मिनट शो का वो रहेगा हॉकी का। इसको तो जानते होंगे श्रीजेश को, बड़ा ही अच्छा खेल खेलते हैं और बढ़िया ही मस्त मौला इंसान है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि भारतीय ने स्पेन को 2-1 से हरा करके पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। 52 साल बाद ऐसा हुआ है कि दूसरी बार पदक आया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में भी फिर से कांस्य पदक मिला, ऐसा 52 साल बाद आया है। इसके साथ ही 8 बार की चैंपियन भारतीय हॉकी टीम का ये 13वां पदक था। एक स्वर्णिम काल भी हॉकी के क्षेत्र में आया भारत के लिए, 8 बार हमने यहाँ पर चैंपियन बने हैं, तो उम्मीद है कि फिर से ये वह अच्छा समय आएगा, ये भी देख लेने चाहिए। ठीक है, एक बड़ा हमने यात्रा तय की है हॉकी में, एक लंबी यात्रा और एक सफल यात्रा। ओलंपिक में सबसे ज्यादा सम्मानित देश भारत ही था, 41 सालों से हम पोडियम से गायब थे, लेकिन 2020 में हम पोडियम पर आ गए। पोडियम समझते हो जहां पे गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज के खिलाड़ी खड़े होते हैं, है ना। तो 41 साल में हम खड़े तक नहीं हो पाए थे, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हमने सूखे को समाप्त किया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। और हॉकी देश के पास कुल मेडलों की संख्या 12 हो गई, क्योंकि 18 ऑलरेडी हम जीत चुके थे, और इस बार लगातार दूसरी बार बाकी हॉकी भारतीय हॉकी टीम ने यह लगातार पदक जीतने की व्यवस्था की है, याद रख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अब स्पेन को हरा करके 2024 ओलंपिक में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। एक लंबी यात्रा थी, उतार चढ़ाव भरे दिन थे, और भारतीय खिलाड़ियों ने इस मेहनत वाले खेल को भी अच्छे से जीत लिया। ओलंपिक म्यूनिक ओलंपिक 1972 में भारत के पास ब्रॉन्ज मेडल आया था, और एक लंबी कहानी थी, कई बार निराशा भी लगी, कई बार आशा की किरणें भी जगी। 1968 के ब्रॉन्ज मेडल को भी आपको याद रखना चाहिए, बड़ा ही बेहतरीन मैच ये भी हुआ था। 1964 में भी भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, टोक्यो ओलंपिक में आयोजित किया गया था, इसको जरूर आपको याद रखना चाहिए। भारत यहां पर फिर से विश्व पटल पर आया, और धीरे धीरे अगर हम पुराने जाते जाते हैं तो भारत के पास मेडलों की संख्या भी कम होती गई और कहीं ना कहीं बढ़ती गई। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो हॉकी का आप एक इतिहास इससे पढ़ सकते हो। लेकिन अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पास अभी तक जो 10 अगस्त 2024 तक जितने पदक है, मैं एक बार आपको बता दूं, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक व्यक्तिगत श्रेणी, मनु भाकर सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित में, फिर स्वप्निल कुसाले ने 3 पोजीशन में जीता है कांस्य पदक, तो ये 3 तो हो गए हमारे शूटिंग में। फिर हम बात करते हैं अमन सहरावत कांस्य पदक 57 किलोग्राम पहलवानी में, फिर हम बात करते हैं पुरुष हॉकी जो कि जीता है हमने कांस्य पदक, ये भी याद रखना, और जो 6वां पदक हमने जीता है वो जीता है हमने नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में, ये भी याद रखना। तो ये 6 पदक अभी तक हमारे पास आए हैं, 1 रजत 5 सिल्वर 1 रजत 5 कांस्य, स्वर्ण अभी आया नहीं है और आने की उम्मीद भी नहीं है, फिर भी जो है ठीक है। मिलती हूं मैं आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि कल यानी रविवार को 8 बजे से 10 बजे तक जनवरी माह से लेकर के जुलाई माह तक का पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं आपको कल की क्लास में कराने वाली हूं। आप सबका मैं वहां पर इंतजार करूंगी। अगर आपको 10 मिनट शो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिख देना। मैं मिलती हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।